स्मार्ट स्कूल। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य की स्थिति की जानकारी दी। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि साल 2020 में अब तक के डेढ़ महीने में पिछले साल की तुलना में आतंकी हिंसाओं में 60% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कानून व्यवस्था की स्थिति की कोई बड़ी समस्या नहीं है। पाकिस्तान की नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। घाटी का माहौल खराब करने के लिए पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ करवाने की फिराक में लगा हुआ है। वहीं हीरानगर में चल रहे बांध निर्माण कार्य की वजह से भी वह बौखलाया हुआ है। इसी वजह से आए दिन कार्य में बाधा पहुंचाने और आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। आज यानी कि शनिवार सुबह करीब 4 बजे से पाकिस्तान सेना ने कठुआ के हीरानगर में भारी गोलाबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान की ओर से आक्रमण शुरू की गई इस गोलाबारी का भारतीय सेना माकूल जवाब दे रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शनिवार को कहा कि अर्थव्यवस्था में ऋण लेने की प्रक्रिया गति पकड़ रही है। साथ ही उन्होंने नीतिगत दर में कटौती का लाभ नीचे तक पहुंचाने की रफ्तार आने वाले दिनों में और सुधरने की उम्मीद जताई है। उनका ये बयान उस समय आया है जब अर्थव्यवस्था की वृद्धि को लेकर चिंताएं हैं। महाराष्ट्र में 1 मई से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि NPR लागू हो जाएगा। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब देश भर में NPR नागरिक संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। राज्य सरकार के NPR लागू करने के फैसले को लेकर सहयोगी दलों के बीच तनातनी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों से अपील की है कि वो देश के सामने मौजूद कुपोषण जैसी वर्तमान सामाजिक समस्याओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करें। पीएम मोदी ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए वर्चुअल प्रयोगशालाएं विकसित करने की महत्वता पर बल दिया ताकि विज्ञान को हर कोने में प्रत्येक छात्र तक ले जाया जा सके। राज्यसभा में अप्रैल महीने में 51 सांसद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये सांसद भाजपा और कांग्रेस समेत कई दलों के सदस्य हैं। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को उम्मीद है कि वो इससे कई सीटें जीतने में कामयाब रहेंगे। इन दोनों दलों के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस YSR कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलने की संभावना है। राज्यसभा में हो रहे इस बदलाव से भाजपा को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि राज्यसभा में पार्टी के पास अभी बहुमत नहीं है। राज्यसभा में भाजपा के 82 सांसद हैं। आम आदमी पार्टी रामलीला मैदान में 16 फरवरी को होने जा रहे अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह को मेगा शो बनाने की तैयारी में है। इसी के तहत शनिवार को मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि शपथ ग्रहण समारोह में के दौरान मंच पर बैठने की व्यवस्था क्या होगी और किन लोगों को दिल्ली की नई सरकार के शपथ ग्रहण में आने का न्योता दिया गया है। सिसोदिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में वही लोग शामिल होंगे जिन्होंने पिछले 5 सालों में दिल्ली को बनाने का काम किया है और आगे भी अपना योगदान देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन की भारतीय यात्रा पर 24 फरवरी को गुजरात आने वाले हैं। वे अपने भारत दौरे को लेकर काफी उत्साहित दिख रहे हैं। उनका कहना है कि भारत जाना उनके लिए सम्मान की बात है। ट्रंप 24 और 25 फरवरी को भारत दौरे पर आ रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच होने वाले ये मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे दो लोकतांत्रिक देशों के संबंधों को और मजबूती मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और ज्योति आदित्यराव सिंधिया गुट के बीच में तकरार तेज हो गई है। सिंधिया ने शिक्षकों के समर्थन में अपनी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने भी सिंधिया पर निशाना साधा। इसे लेकर शनिवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ और पार्टी नेताओं ज्योति आदित्यराव सिंधिया, दिग्विजय सिंह और अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद सिंधिया ने कहा कि ये कारगर बैठक थी और हमें भविष्य में सकारात्मक तौर पर कार्य करते रहेंगे। अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने हाल ही में देवबंद को आतंकवाद की गंगोत्री कहा। उनके इस बयान को लेकर पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उनसे नाराज हैं और उन्हें पार्टी दफ्तर तलब किया। माना जा रहा है कि पार्टी ने उन्हें चेतावनी दी है। नड्डा से मुलाकात करने के बाद पार्टी कार्यालय से निकले भाजपा सांसद ने किसी से भी बात नहीं की।